अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नए व्लॉग में खुश आमदीद। आज हम चिलास में रात हमने स्टे किया, तो हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। सफ़र बहुत था, हमें तकरीबन 14 घंटे या उससे ज़्यादा लगे यहाँ पहुँचते हुए। अब हमने स्कर्दू का सफ़र तय करना है और इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये चिलास के पहाड़ हैं। इस वक्त चिलास शहर को जो नया रास्ता बना है और ये पूरा एक नया शहर आबाद हुआ हुआ है, तो यहाँ पे हम होटल में ठहरे हैं। अभी नाश्ते की तैयारियाँ हो रही हैं, सब्जियाँ वगैरह कट रही हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। और धूप इस वक्त थोड़ी तेज़ है, लेकिन मौसम चिलास का बेहतर है आजकल। वैसे तो बहुत गर्मी होती है, बर्दाश्त नहीं होती यहाँ की गर्मी, लेकिन क्योंकि कुछ दिनों से नीचे बारिशें वगैरह हुई हैं, उसकी वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ा हुआ है चिलास के टेम्परेचर को। तो इस वक्त आप समझ लें लाहौर से बेहतर है, लाहौर जैसी गर्मी नहीं मैं कहूँगा, गर्मी कम है, बेहतर है। और मैं इस वक्त ठंडे पानी से ही नहाया हूँ, यहाँ का पानी ठंडा है लेकिन मज़े का है। और कहते हैं अब आप फिर से वही, मैं सफ़र तय करने वाला हूँ वो अजियतनाक, क्योंकि हमें तकरीबन 10 घंटे से ज़्यादा लगने हैं यहाँ से आगे पहुँचने में। तो आपको दिखाता रहूँगा जो जो रास्ते में मैं कैप्चर करूँगा। और अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि इस वक्त सब क्या कर रहे हैं और नाश्ते की तैयारियाँ चल रही हैं, मेरे साथ रहें। ये मैं होटल की इस वक्त छत पर हूँ, नहा के निकला हूँ तो थोड़ी सी धूप ले रहा हूँ। ये इस तरह से ये छत है, वो बच्चे फिर रहे हैं। ये जी इनका तकरीबन सेकंड या थर्ड फ्लोर बनता है, और वो उधर ड्राइंग रूम में नाश्ते की तैयारी चल रही है। ये हमारे इधर कमरे हैं सारे, इधर इस तरफ सबसे नीचे करके कोस्टर खड़ी हुई है, जो कि अभी इस वक्त बाहर जा चुकी है। सामान वगैरह मैं अपना पहुंचाऊंगा कोस्टर में। ये जी सीढ़ियाँ जाती हैं इसकी नीचे को, इसी तरह ये सारा बना हुआ है। ये जी होटल का डिज़ाइन है, ये इन्होंने कूलर लगाए हुए हैं छोटे छोटे, अच्छा आइडिया है। एक आदत बेबी मारा, रोई रोई कर रहा है। ओए ओए नाज़रीन, ये हम बाज़ार से काफ़ी ऊपर आए हुए हैं, ये पूरी मार्केट में दुकानें ही दुकानें हैं। आगे जाके प्रॉपर बाज़ार आएगा, अभी तो आधी दुकानें बंद पड़ी हैं। और ये जी आयशा बिकू है मेरे साथ। आयशा, ये छोटा सा बाज़ार है, ये देखिए जी प्रॉपर बाज़ार आ गया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हम बच्चों के साथ हैं। ये देखे जी सामने पहाड़, बर्फ वाला, ये हमारी कोस्टर खड़ी हुई है। अभी ये हम होटल, ये होटल हमारा होटल गोल्डन लॉज। अभी हम वापस जा रहे हैं नाश्ते के लिए। हमारा काका थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, रोता रहते हैं। नाजरीन, दूसरा काका आ गया मेरे पास, इस तक नोई नोई का आ रहा था। खो हो गया बिक्की को, खा हो गया, एक को चुप कराया अब दूसरे की पास। नाजरीन, हम रुके हैं चिलास के वो PSO पंप पे, जहाँ से हम अभी पेट्रोल डलवा रहे हैं। और यही एक रास्ता है जहाँ से आप अपने टैंक फुल करवा के आगे जाएं, दूर दूर तक आपको पेट्रोल नहीं मिलना। और ये अभी मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये पहाड़ है चिलास के सड़े हुए, धूप बहुत तेज़ है, और वो पीछे कोस्टर खड़ी हुई है।
और अभी तो खीर गया है दुकान पे कुछ चीज वगैरह लेने, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जी इधर की मार्केट है छोटी सी। ये जी टैंक फुल हो रहा है कोस्टर का। जब भी आप लचलास का सफर करें तो यहाँ से आप पेट्रोल डलवा के जाएं, दूर दूर तक आपको पेट्रोल नहीं मिलना। नौकरीन रस्ते में हम रुके हुए हैं, डीजा भी सो के उठती है, वॉशरूम ब्रेक ली हुई है। आपको सारा हग्गा मूत्रा दिखा रहे हैं, वो देखें वो सामने वॉशरूम, और यहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं। व्हाट इज दिस, खुगियां लगी आने, क्या है खुगी? 141 हो रहे हैं, 148, दो बजे सारे बस में होंगे। अच्छा नहीं तो आप इसको 5000 ठुकना है। बाजी ये देखें, ये मशरूम नहीं है, ये देखें लगेंगे मशरूम, दरख्तों में नहीं लगते भाई। ओ नहीं पे है ना, ओदे वो लगाओ बीच ए मशरूम पानी में नहीं यार, आ तो खेत दरख्तों में मशरूम चढ़ गया। ए ए छुरी ना निकले, नहीं दरख्त है, नहीं नहीं है तो है लेकिन वो जमा हुआ नाज़रीन। अब हम आगे का सफर तय करेंगे, बस 5-10 मिनट हम यहाँ पे हैं, फिर आगे जो तो तू देखो वो देखो, बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो। ये देखें जी शतूत लगे हुए हैं, और ये थोड़े थोड़े खट्टे हैं, ये मैंने खा के देखे हैं। थोड़े थोड़े रेड हैं। खट्टे हैं बहुत। अब हम फालसे का जूस पीने लगे, आपको दिखाता हूँ। नाज़रीन आए आपको जंगल में लेके चलते हैं मैं और डीजा। ये देखें जी शतूत के ही दरख्त हैं चारों तरफ। नाज़रीन बहुत बड़ी चोट लगी है, कोनी पिट गई है, कोनी बड़ी जोर की लगी है, खदीजा बच गई है शुक्र है, वो आपने देख लिया है। अब पट्टी करके बैठा हूँ, आगे जाके नई जूती खरीदनी है, जूती बहुत स्लिपरी है, बहुत ज्यादा। ये देखिए चलो जी नाज़रीन टाटा बाय बाय। नाज़रीन स्कर्दू के लिए हम मुड़ रहे हैं, ये देखिए जी यहाँ की अक्सर वीडियोस बना के ना। ये इंटरचेंज है, नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स स्कर्दू। यहाँ से तकरीबन 170 किलोमीटर बनता है। ये देखिए हम अपनी कोनी तड़वा बैठे हैं और पट्टी करके बैठे हैं। क्या माशाल्लाह व्यू है नाज़रीन, बर्फ से भरे हुए पहाड़ों से पर एक लाइन पूरी दरख्त की ऐसे।
ये हम खूबसूरत पहाड़ों के बीच में हैं। सड़क फुल कारपेटेड है, माशाल्लाह रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। ये देखे जी नाजरीन कितनी खूबसूरत चेरी है, ये अभी हमने खरीदी है। ये वही अजान है जो व्लॉग में आता है मेरे, और ये उसका बड़ा भाई। इन दोनों ने मेरे साथ फूड चैलेंज किया था, नूडल्स चैलेंज। ये ताई अम्मा है, ये मेरी फैमिली है माशाल्लाह, और ये है चेरी खूबसूरत तरीन। अभी हम पानी के किनारे बैठ के इसको खाएंगे, इंजॉय करेंगे। आए मेरे साथ, देखें जी ये सेब लगा हुआ है छोटा छोटा, अभी ये कच्चा है, अभी इसने पकना है माशाल्लाह। भरा हुआ दरख्त सेब से।